नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर में 14 जनवरी की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आरोपी जैद ने बताया कि मैंने मजबूरी के कारण चोरी की थी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। आरोपी को अपनी इस करतूत पर पछतावा भी है और आरोपी 10वीं क्लास का छात्र है। कौन है आरोपी? ये 14 जनवरी को एक महिला स्कूटी से जा रही थी, उनके पर्स में पैसे थे। पहले वो एक सुनार की दुकान पे गई, वहाँ से निकलने के बाद स्कूटी से चल रही थी और बगल से निकल रहे एक अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल से जो था उनका पर्स छीन लिया गया और लेके निकल गया। इसके बाद महिला के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनका एक आईफोन, एक चेकबुक और 40,000 रुपये नकद की बात लिखाई गई थी। CCTV कैमरों की मदद से जब हम लोगों ने पूरे मामले की छानबीन कराई तो पता चला कि घटना कारित करने वाला व्यक्ति अकेला था और फिर उसकी शिनाख्त कराई गई मोटरसाइकिल सवार की, जिसने पर्स को छीना था उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने पर जानकारी हुई कि पर्स में कुल 20,000 रुपये थे। आईफोन बरामद हुआ है, 19,743 रुपये उस लूट के इसके कब्जे से बरामद किए गए हैं। लगभग 95% से अधिक की रिकवरी है। एक तमंचा और मोटरसाइकिल जिससे घटना हुई थी वो रिकवर की गई। सर, इससे पहले भी ये पूर्व में कोई चोरी कर चुके हैं क्या? पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं मिला है, इससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद। मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद जी, तुमने जो है लूट की घटना को अंजाम दिया, क्या कारण है, क्यों करी थी ये लूट? ये लूट अपने ऐसे कुछ जरूरत थी, मैंने इसलिए करी थी। क्या जरूरत थी? इससे पहले भी तुमने कहीं लूट करी है? नहीं, इससे पहले कहीं लूट नहीं करी। तो क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, बस अपनी ऐसी थोड़ी परेशानी थी। खाली मौज मस्ती के लिए? जी, इसलिए करी है। क्या करते हो, पढ़ते हो क्या, कुछ काम करते हो? अभी टेंथ छोड़िए। पछतावा है अब? हाँ, पछतावा है बहुत। टेंथ करिए, मतलब 12th का फॉर्म भरा है।